छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में फिर से सरगर्मी शुरू हो गई है। वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर लगातार राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम सभा का आयोजन रविवार को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे आप कार्यकर्ता एवं समर्थक जुटे थे। आम सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़े ऊंचे स्वर में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सही पार्टी और सरकार को चुनने की अपील की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मुफ्त बिजली जैसे कार्यों से दिल्ली की जनता को मिल रहे लाभ का उदाहरण देकर छत्तीसगढ़ में भी लोगों को इसका लाभ लेने की बातें कही। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य है, जहां कृषि, जंगल, खनिज संपदा और मेहनती लोग हैं, लेकिन ईमानदार नेता नहीं, जिसकी वजह से ही पिछले 23 सालों में प्रदेश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। गरीब जनता दिन ब दिन गरीब हो रही है। उन्होंने मोदी सरकार को भी लेकर जमकर हमला किया और कहा महंगाई अपने चरम पर है, जिसकी वजह केवल हर चीज पर लगाई जा रही टैक्स है। 57 रुपए के पेट्रोल पर 45 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है, यहाँ तक कि दूध पर भी टैक्स लगाया गया है, जिससे जनता बेहाल है। सफर तय करके आज आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सोच रहा था अभी बैठा बैठा, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भगवान ने छत्तीसगढ़ को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया छत्तीसगढ़ को। क्या नहीं है छत्तीसगढ़ में? जंगल है, खेती है, हर तरह की चीज पैदा करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, माइनिंग है, लोहा है, कोयला है, हर किस्म की माइन है। दोस्तों, भगवान ने सब कुछ दिया, एक कमी छोड़ दी भगवान ने, ईमानदार नेता नहीं दिए छत्तीसगढ़ वालों को। अमीर बन जाता छत्तीसगढ़, गांव गांव में स्कूल खुल सकते थे, गांव गांव में अस्पताल खुल सकते थे, चारों तरफ खुशहाली आ सकती थी। अगर आपके नेता ईमानदार होते, आपकी पार्टियां ईमानदार होती, अगर उन्होंने आपके लिए 20 साल काम किया होता, आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी नहीं आता। लोगों को लगता अगर आप लोग खुश होते बीजेपी से, अगर आप लोग खुश होते कांग्रेस से, तो आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी। आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, बीजेपी की रैली में एक भी आदमी नहीं आता दिल्ली के अंदर। कि जो देश है हमारा, उसको भगवान ने सब कुछ दिया, कहीं पे मारुथल दिया, कहीं पे समुंदर दिया, कहीं पे कोयला दिया, नदियां दी, पहाड़ दिए, पंजाब में उपजाऊ धरती दी, और देशभक्त लोग भी दिए, मेहनती लोग दिए भगवान ने देश को। एक कमी रह गई, देश को चलाने वाले नेता अच्छे नहीं दिए, वो नेता अच्छे नहीं दिए। उन नेताओं के को बदलने के लिए हम आपके पास आए हैं। जैसा कि डॉक्टर संदीप पाठक बोल रहे थे कि सरकार बदलने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई फीस नहीं भरनी पड़ती, कि ट्यूशन नहीं रखनी पड़ती, कोई कोचिंग नहीं लेनी पड़ती,
बस सरकार बदलने के लिए दिल्ली और पंजाब के लोगों की तरह झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ता है बस।